तो आज शाम शपथ ग्रहण की तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं? 4 बजे शपथ ग्रहण का समय रखा गया, प्रधानमंत्री मोदी को यहां पहुंचना है, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे, इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री और साथ ही साथ जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनका भी पहुंचना होगा। ऐसे में तैयारियों के लिए जानने के लिए इसके बारे में आनंद प्रकाश पांडे का रुख कर लेते हैं, ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। आनंद, बताइए आपके आसपास क्या चल रहा है, और आपने जो अभी खास बातचीत की जो हम दर्शकों को सुना रहे थे उसमें यह भी साफ हो गया कि चुनौतियां कई सारी हैं आने वाली सरकार के लिए, और उससे कैसे पार पाएंगे इसको लेकर पूरा प्लान भी तैयार। बिल्कुल, जाहिर तौर पे हम आपको बता दें चुनौतियां कई है, लेकिन उसके पहले हम आपको बताएं कि जो लास्ट मिनट तैयारियां होती है शपथ ग्रहण की वो चल रही है। आपको 3 स्टेज यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, जो मेन स्टेज है सामने वाला जो आपको नजर आ रहा है, इसी स्टेज पे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहाँ पे CM और दोनों डिप्टी CM शपथ लेंगे, और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, JP नड्डा मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, और 5 राज्यों के जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मुख्य मंच के दोनों तरफ 2 मंच बनाए गए हैं, जहाँ पे पार्टी पदाधिकारी और दूसरे गणमान्य नेता मौजूद रहेंगे। और अभी जो है अंतिम तैयारियाँ जो की जा रही है, जो लास्ट में जो तैयारियाँ होती है उसको देखा जा रहा है। 4 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, और हम आपको बता दें 3:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर में लैंड करेंगे, एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, वहाँ से सीधे वो जो साइंस कॉलेज का मैदान है जहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह है, यहाँ पर वो चॉपर से आएंगे, और फिर चॉपर के बाद वो बाई रोड यहाँ पे सीधा शपथ ग्रहण समारोह स्थल पर पहुँचेंगे। और हम आपको बता दें कि जो हमें जानकारी मिली है कि 3 लोग आज सिर्फ शपथ लेने जा रहे हैं, हालांकि हो सकता है कि आखिरी वक्त में कुछ बदल भी जाए। और रही बात चुनौतियों की, तो जाहिर तौर पर BJP ने जो तमाम वादे किए हैं यहाँ की जनता के साथ, मोदी गारंटी, यानी कि मोदी जो कहते हैं, जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, ये चुनौती BJP की सरकार के सामने यहाँ पर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं ने, आम जनता ने एकजुट होकर एक मुश्त में BJP को वोट किया है। और जो करप्शन का मुद्दा BJP ने बनाया था इन चुनाव में, महादेव ऐप हो या फिर यहाँ के नेताओं के और जो कांग्रेस के मंत्री थे उनके करप्शन का मुद्दा था जी, वो भी BJP को धरातल पर उतारना होगा कि हाँ कार्रवाई। आनंद, मैं आपको इस वक्त रोकना चाह रही हूँ, क्योंकि आप एक तरफ तस्वीरें दिखा रहे हैं शाम 4 बजे होने वाले शपथ ग्रहण समारोह